तो दोस्तों डीके बॉयज के लिए ओपन करने आए हैं एडम बिस्ट और बोल्डर नेगी। तो अब ये 15 ओवरों में 98 रनों का लक्ष्य दिया है डीके बॉयज को, तो देखते हैं कैसा रहता है रन चेज। तो चले गेंद बाल, पहली गेंद एडम बिस्ट के लिए और ये गेंद काफी उछाल भरी गेंद और अपील की जा रही है और ये आउट। पहली गेंद पर एडम बिस्ट आउट और पहली बार इस ग्राउंड में 0 के स्कोर पे आउट हुए हैं एडम बिस्ट। तो देखते हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आते हैं। तो एडम का स्थान लेने आए हैं अब नरेश चाचा। तो देखते हैं नरेश चाचा क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो ये गेंद नरेश चाचा के लिए और काफी अच्छा सामान दिया इसको। तो ये दूसरी गेंद नरेश चाचा के लिए और काफी अच्छी गेंद। तो ये अगली गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी। तो ये अगली गेंद और एक रन के लिए खेल दिया इसको और बचे वहां पर बोल्डर ने गिरा। तो ये अगली गेंद बोल्डर नेगी पहली बार सामना करेंगे, काफी अच्छी गेंद। तो एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट। तो ये दूसरा ओवर काफी अच्छी है गेंद और काफी अच्छा शॉट। तो ये गेंद नरेश चाचा के लिए, चले गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाज इनके द्वारा भी और एक काफी अच्छा शॉट फ्लिक कर दिया इसको लेग साइड में और 4 रनों के लिए पहला चौका नरेश चाचा और डीके बॉयज के खाते में। तो ये चले गेंदबाज नरेश चाचा के लिए ये गेंद और काफी लंबी फेंकी गई गेंद थी और ये कैच आउट। तो टीम को लगता हुआ दूसरा झटका और अभी स्कोर है 9 रन। तो अब आए हैं बल्लेबाजी करने प्रीतम रावत नरेश चाचा के स्थान पर। तो टीम डीके बॉयज का स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों के बाद। तो अब पारी का तीसरा ओवर और बोल्डर नेगी सामना करेंगे और ये काफी अच्छा स्ट्रोक। तो ये अगली गेंद बोल्डर नेगी के लिए, चले गेंदबाज, काफी अच्छा शॉट और ये कैच ड्रॉप कर दिया है कि फील्डर ने। तो पहली बार सामना करेंगे प्रीतम रावत और ये गेंदबाज और काफी अच्छी गेंद। तो ये दूसरी गेंद प्रीतम रावत के लिए और मारना चाहते थे इसे लेकिन लाइन मिस कर गए। तो ये तीसरी गेंद प्रीतम रावत के लिए और काफी अच्छी गेंद और रन आउट का खतरा लेकिन नहीं। तो ये अगली गेंद बोल्डर नेगी के लिए, चले गेंदबाज और काफी अच्छा शॉट और 4 रनों के लिए काफी अच्छा शॉट। तो 3 ओवर के बाद टीम डीके बॉयज का स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये पारी का चौथा ओवर सामना करेंगे प्रीतम रावत, काफी अच्छी गेंद। तो ये अगली गेंद प्रीतम रावत के लिए और बढ़िया गेंद ये भी। तो ये ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज चले और ये भी पटकी हुई गेंद थी लेकिन कुछ नहीं कर पाए इस पे भी प्रीतम रावत, डॉट बॉल हो गई 3। और ये अगली गेंद प्रीतम रावत के लिए और ये हवा में उठा दी लेकिन 4 रनों के लिए गेंद, बल्ले का ऊपरी एज लेकर। तो ये 5वीं गेंद ओवर की प्रीतम रावत सामना करेंगे और ये भी मिस हो गई गेंद। तो ये ओवर की अंतिम गेंद और सामने है प्रीतम रावत और ये हवा में उठा दी है प्रीतम रावत ने और ये भी आउट। तो 4 ओवर के बाद टीम डीके बॉयज का स्कोर है 19 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है डीके बॉयज। तो यहाँ पर दबाव में है अब टीम। तो अब प्रीतम का स्थान लेने आए हैं दिल हृदय डीके। तो काफी दबाव में है अब टीम, देखते हैं कैसे उबारते हैं इस दबाव से टीम को। तो ये पारी का 5वां ओवर सामने है बोल्डर नेगी और ये लेग स्टंप पर। तो अब पहली बार सामना करेंगे दिल हृदय डीके और काफी अच्छा स्ट्रोक और ये दूसरी गेंद थी हृदय डीके के लिए और ये हृदय डीके भी आउट। तो टीम डीके बॉयज को ये चौथा झटका लगता हुआ हृदय बिस्ट के रूप में। तो अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं महिपाल बिस्ट। तो अब स्ट्राइक पर होंगे पहली दफा महिपाल बिस्ट, हमारे चाचा जी। तो पहली गेंद चाचा के लिए और निकल गई गेंद, अरे फील्डर वहां पर मौजूद है तो 1 ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। उम्मीद छोड़ दी थी।
तो चले अब अगली गेंद बोल्डर के लिए। और यॉर्कर लाइन की गेंद हल्की सी मिसफील्ड और एक रन। तो चले ये गेंद काफ़ी खूबसूरत कट निकल जाएगा शायद से, पकड़ लिया भाई साहब और गलत एंड पर थ्रो, तो दो रन मिल जाएंगे आसानी से। फिर से चले गेंदबाज बोल्डर के लिए, ओ माय गुडनेस, हल्के हाथों से बिल्कुल, कितना फाइन खेला है, एक रन मिलेगा। और चले गेंदबाज गुड्डू चाचा के लिए, ओ चले गेंदबाज चले अब बोल्डर के लिए, और कहाँ खेलना चाहते थे, कहाँ को गई गेंद, निकल जाएगा। अरे चार रन, जी हाँ चार रन बोल्डर के बल्ले से। चले एक बार फिर से गेंदबाज बोल्डर के लिए, देख तो बोले अर्चना मिलती हो, और एक और निकल जाएगा संभव, तो नहीं निकला, बढ़िया बस शाबाश, दो रन मिल जाएंगे। ग्राउंड को खेलते हुए यहाँ पर बोल्डर इस समय, और इस समय महिपाल चाचा के लिए अगली गेंद, फुल टॉस बॉल और काफी सुंदर फ्लिक तो कर दिया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद क्या पकड़ पाएगा, जी नहीं, चार रन निकल गई, निकल गया चौका गुड्डू चाचा के बल्ले से। चले गेंदबाज बसदा के लिए, और यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन गेंद निकल रही थी की से, वहां पर फील्डर छक्का, अच्छा शॉट, एक रन से संतोष करना पड़ेगा बसु भाई। चले गेंदबाज आज एक बार फिर से गुड्डू चाचा के लिए गेंद, और बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद। तो चले नए गेंदबाज बोल्डर भाई के लिए, और बिल्कुल शॉट काफी कड़क है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, तो एक रन के साथ संतोष, लेकिन नो बॉल, नो बॉल का इशारा वहां पर अंपायर का। तो गेंदबाज चले एक बार फिर से, इस समय फ्री हिट बॉल, उठा के मारा जरूर है, लेकिन शॉट में ताकत थोड़ी सी कम, तो उसके चलते मात्र एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। चले गेंदबाज एक बार फिर से, एक रन और छिटक गई गेंद, दो रन मिल गए हैं, लेकिन क्या चौका, जी नहीं चार रन नहीं दो रन। तो गेंदबाज चले एक बार फिर से, और अच्छा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन दो रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगे, और अगर मिसफील्ड होती तो तीन भी मिल सकते हैं, लेकिन दो रन के साथ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ। चले गेंदबाज अगली गेंद, और क्या ही सुंदर कट लगाया है बिल्कुल, लेकिन गलत एंड पर थ्रो एक बार फिर से, तो एक रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर लगातार धीरे धीरे सही, लेकिन दियारकोट की टीम। चले गेंदबाज एक बार फिर से बोल्डर भाई, और क्या शॉट लगाया भाई, थप्पड़ सा जड़ा जरूर है, लेकिन दो मिल सकते हैं, लेकिन मना किया, चार होने चाहिए थे, लेकिन अच्छे क्षेत्र रक्षण के चलते मात्र मिलेगा एक रन। चले गेंदबाज एक बार फिर से, इस समय कुडू चाचा के लिए, क्या ही कॉपी बुक कवर ड्राइव, लेकिन उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन दो मिल जाएंगे कीपर कीपर, लेकिन दो मिल गए, और तीसरा भी मिल जाएगा, तो काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है यहाँ पर बसु भाई और गुड्डू चाचा के बीच। यहाँ से देखना होगा कि कितनी जल्दी मैच खत्म कर लेते हैं ये दोनों। तो चले गेंदबाज, और यहाँ पर डॉट बॉल, तो यहाँ से अब चाहिए 29 गेंदों में 36 रन, तो मैच काफी रोमांचक होता हुआ 29 गेंदें 36 रन, और यहाँ पर मिस कर गए गेंद, और तो गाइस अभी अभी रन आउट हो गए हैं बोल्डर भाई, और अब योगी के पापा आए हैं बैटिंग करने, लेकिन डॉट बॉल, तो तीन डॉट बॉल लगातार अब चाहिए 27 गेंदें और 36 रन के लिए लक्ष्य करने आपको। तो चले यहाँ पर क्लीन बोल्ड, और इसी के चलते अब मैच यहाँ से फंसता हुआ 6 विकेटों का हो चुका है पतन, और अब चाहिए 25 पे 36। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं सचिन भाई, बन सकते हैं आराम से। तो पहली गेंद सचिन के लिए, और बाहरी किनारा, निकल जाएगा गेंद, निकल गया, चार रनों के लिए, सचिन शाबाश। तो भाई ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इस ओवर की संभवतः अंतिम गेंद सचिन भाई के लिए दूसरी, और क्लीन बोल्ड, क्या कर रहे थे सच्चू भाई, चार रन बनाकर ये भी पवेलियन की ओर आते हुए अब, और अब यहाँ से चाहिए 32 रन जीत के लिए। और अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं हमारे स्ट्राइक बॉलर दीपू भाई, ये भी, और चले गेंदबाज यहाँ से, और निकल गया, क्या निकल गया, और एक रन, तो अब चाहिए
23 गेंदें और 31 रन, 22 गेंदें 31 रन। तो ये अगली गेंद दीपक रावत सामने बैक फुट पे खेल रहे हैं और एक रन के लिए खेल दिया है। और ये महिपाल सिंह बिष्ट भी कैच आउट होते हुए, तो ये टीम को लगता हुआ आठवां झटका, मात्र दो विकेट दूर डीके बॉयज अपनी हार से। तो अब आए हैं योगी, तो पहली गेंद योगी के लिए और काफी अच्छी गेंद, 13वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज और सामने है योगी काफी अच्छा शॉटिंग के द्वारा और एक रन आसानी से और दूसरा रन भी ले लिया। तो अब चाहिए 17 गेंदों में 28 रन, तो 16 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता और दीपक रावत सामने और ये क्लीन बोल्ड, तो 15 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता और अब बल्लेबाजी करने आए हैं लखपत सिंह बिष्ट, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, तो अब देखते हैं बल्लेबाजी में क्या कमाल दिखा पाते हैं। तो पहली गेंद का सामना करेंगे लखपत सिंह बिष्ट, काफी बार फेंकी थी ये गेंद और खेल दिया उसे लेकिन रन नहीं ले पाएंगे, तो 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता और सामना करेंगे योगी भाई। तो पहली गेंद काफी ऊंची उठा दिया इसको लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी ये गेंद और 2 रन आसानी से ले लेंगे और 2 रन। तो अगली गेंद योगी के लिए काफी हाफ पिच बॉल थी और काफी अच्छा शॉट उनके द्वारा मिसफील्ड हुई वहां पर और 2 रन आसानी से, क्या तीसरे के लिए आ सकते हैं लेकिन नहीं। तो अगली गेंद योगी के लिए काफी नीचे रही गेंद और ये फील्डिंग भी उतनी अच्छी, तो 8 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता और ये अगली गेंद 1 रन के लिए खेल दिया इसको। तो अब आवश्यकता 8 गेंदों में 21 रनों की, तो अगली गेंद फिर से सामने योगी, तो ये भी हाफ पिच गेंद और खेल दिया इसे 1 रन के लिए। तो अब आवश्यकता 7 गेंदों में 20 रनों की, तो ओवर की अंतिम गेंद लेकर और ये बहुत अच्छा शॉट लखपत सिंह के बल्ले से लेकिन 1 ही रन मिलेगा। तो पारी का अंतिम ओवर और अभी आवश्यकता 20 रनों की, लखपत सिंह बिष्ट सामने और तगड़ा शॉट और 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। तो अब आवश्यकता 5 गेंदों में 16 रनों की, तो ये दूसरी गेंद और लॉन्ग ऑन पे खेल दिया उसको 2 रनों के लिए, 4 गेंदों में 14 रनों की। तो ओवर की तीसरी गेंद लखपत सिंह बिष्ट सामने और हाफ पिच बॉल और खेल दिया इसे लॉन्ग ऑन की ओर, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता अभी भी, 12 रनों की आवश्यकता अभी भी, तो योगी कराएंगे सामना और बोल्ड। तो इसी के साथ हार चुके हैं डीके बॉयज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।